कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। इसीलिए अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिश्ता तो सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। हमेशा सुकून से रहना चाहते हो तो किसी की बातों को लगाना दिल से नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी होते ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं। जब भी कोई पीठ पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना, पीठ पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है। जब भी कोई तुम्हारी किसी काम में टांग खींचे तो ये याद रखना कि टांग वो खींचता है जो हमसे नीचे रहता है। दुनिया अगर आपका विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता हुआ ये समय जिंदगी को बदल कर रख देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं। इसीलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समेट कर जिंदगी का एक सीधा सा गणित रखो। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। लोग मतलबी हैं, ये रोना किस काम का। अरे ये तो उसूल है इस दुनिया का कि जिंदगी में आप जब तक काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे। क्योंकि याद रखना, अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को हर कोई फेंक देता है। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज ना होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। चिंता हमेशा उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। दुख का असली कारण तो यह है कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। लोग बड़े आराम से रिश्तों को तोड़ देते हैं, दिलों को तोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर सफल होना है तो ये याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है जो तुम दूसरों को देते हो। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां भी कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तो जीवन में तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से ठीक तरह से निपटना नहीं आता। इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आपकी ये जिंदगी कितनी बाकी है। और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कमजोर तो तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। अगर इस वीडियो में